इंडियन है, क्योंकि राजस्थान में हार्ट के मरीज भी बढ़ रहे हैं, ऊपर से डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, तो उसको एक अलग चैप्टर बना दिया जिसका नाम है राजस्थान चैप्टर ऑफ कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये इसकी सेकंड मीटिंग है और ये बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग है, इसमें डॉक्टर बाहर से भी आए हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है देश के हर कोने से यहाँ पे बड़े बड़े नाम वाले डॉक्टर भी इकट्ठे हुए हैं। और इससे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जैसे किसी कोई एक डॉक्टर जो चेन्नई में है वो एक विधि से एक तरह का ऑपरेशन या एक तरह के एंजियोप्लास्टी का इलाज करता है, तो वो विधि यहाँ शेयर करेगा तो वो जयपुर के डॉक्टरों को भी, राजस्थान के डॉक्टरों को भी, बीकानेर के डॉक्टरों को भी देखने को मिलेगा, उनसे डिस्कस करने को मिलेगा। और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे हिंदुस्तान में हर 300 किलोमीटर में खाना बदल जाता है, ऐसे मरीज का प्रोफाइल भी बदल जाता है। तो अगर कोई आदमी ईस्ट से कैलकाटा से आया है, कोई साउथ से आया है, तो वो तो डॉक्टर अपने पेशेंट प्रोफाइल बताएंगे और हमारे राजस्थान के पेशेंट प्रोफाइल हैं, तो हमें पता लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ हिंदुस्तान में किस तरह का इलाज हो रहा है, उससे हम जानकारी लेके अपने राजस्थान के मरीजों को और उचित इलाज कर सकेंगे, नई नई तकनीकों से इलाज कर सकेंगे। जी आजकल रिपोर्ट मिल रहा है कम उम्र के जो लोग हैं उनमें भी दिल की बीमारियां देखने को मिल रही है, ऐसा क्या कारण है? देखिए सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम क्या है कि एक स्ट्रेस, एक कॉम्पिटिशन वाला स्ट्रेस है जो पहले कभी नहीं था, अब बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हम अगर ऐसे याद करें तो कुछ साल पहले अगर हम भी ऑफिस जाते थे कहीं जाते थे तो मेजोरिटी ऑफ जनता और यंग लोग स्कूल भी साइकिल से जाते थे, अब हर बच्चा तो मोटरसाइकिल, कार, बस से जा रहा है, एक्सरसाइज बंद हो गई, स्कूलों में आप चले जाओ स्पोर्ट्स के पीरियड ही खत्म हो गए, तो बच्चे को जो व्यायाम करने की शुरू से आदत पड़ रही थी वो व्यायाम करने की आदत नहीं पड़ती, तो वो व्यायाम करते नहीं, ऊपर से उनका खान पान फास्ट फूड की इतनी आदत पड़ गई है जो कि विदेशों में कम हो रहा है वो हमारे यहाँ बढ़ रहा है। अब देखिए पिज्ज़ा कितने कॉर्नर बिगड़ रहा चीज़ है, और वो नहीं मना नहीं करता पिज्ज़ा के अगेंस्ट नहीं, अब खाइए महीने में एक बार, रोज सुबह को पिज्ज़ा शाम को बर्गर, तो बीमारी तो होगी। और तीसरा जो है यंग पॉपुलेशन में दुनिया में स्मोकिंग कम हो रही है, हिंदुस्तान में बढ़ रही है, और इसका एक और कारण है कि हम जो है एक कॉम्पिटिशन में आ गए विदेश, उस तरह का कॉम्पिटिशन है जो उनकी मौसम डिफरेंट है, उनकी प्रथा डिफरेंट है, उनका तरीके डिफरेंट है, उसको अपनाने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना खाना बहुत अच्छा था उसको फॉलो करें तो ये बीमारियां कम होंगी। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आने वाले 10-15 साल में 50 साल से कम के मरीजों की संख्या हार्ट के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो धीरे धीरे करके कम होगी। इसमें हमको हमारी जैसे एसोसिएशन है राज कार्डियोलॉजी, राजस्थान कार्डियोलॉजी सोसाइटी इंडिया बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि यही ये ऐसी कॉन्फ्रेंस अकेली है जिसमें प्रिवेंशन पर बहुत बात होगी, प्रिवेंशन का मतलब कि इसकी रोकथाम कैसे करनी है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स तरीके, मरीजों कैसे काउंसिल करना है, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छी चर्चाएं हुई आज। ऐसा कोई कार्यक्रम तो प्लान नहीं होगा, बट हाँ ये जरूर है कि जैसे पहले कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई है यंग जनरेशन की देने की जरूरत नहीं मानती है, लेकिन आज ये डिस्कशन में पता लगा है कि इससे मैटर नहीं करता कि उम्र कितनी है, अगर किसी व्यक्ति के परिवार में बीमारी हो और उसका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ चल रहा है तो उसके एग्रेसिवली उसके कोलेस्ट्रॉल को कम करो जिससे उसकी हार्ट की बीमारी, और उसको जीवन शैली के बारे में कम से कम महीने में एक बार लेक्चर के लिए जरूर बुलाओ जिससे कि वो अपने जीवन शैली को परिवर्तित कर सके। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है घी, सबको अच्छा लगता है, टेस्टी खाना बनता है, बट लिमिट में खाना चाहिए। दाल बनाइए घर में, सब्जी बनाइए घर में, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप बार बार बीकानेरी भुजिया डाल के खाओगे तो ना तो दाल रहेगी ना सब्जी रहेगी, वो तो बीकानेरी भुजिया होगी, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मिठाई का सेवन सबको अच्छा लगता है, हफ्ते में 2 बार खा लो, हफ्ते में 3 बार खा लो, एक बार दिन में एक बार खा लो, पर दिन में 2 बार मिठाई खाना और वो भी अपने हिसाब से खाना, तो वो तो भैया कुछ ना कुछ करके आपको नुकसान पहुँचाएगी। और देखिए बीमारी से बचाव किस तरह के योगा या व्यायाम आप करेंगे? देखिए 2 स्टडी हुई है इनमें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है वॉक, 40 मिनट्स की वॉक, अगर आप ये माने कि अगर आपकी उम्र 55 साल है तो अगर आप 12 मिनट 10 से 12 मिनट पर किलोमीटर रफ्तार से 40 मिनट रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और आप हफ्ते में ऐसा 5 दिन कर रहे हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर कम होगा, आपकी हार्ट की कंडीशन ठीक होगी और कोलेस्ट्रॉल कम होगा। इसी तरह से योगा, एक अमेरिका में एक डॉक्टर है वो इंडियन ओरिजिन की, बालक नहीं है, उसने स्टडी करी थी बजाय हफ्ते में 5 दिन 1/2 घंटा भी, तो उससे रक्तचाप में ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और उससे हार्ट की बीमारियों को बढ़ने में बहुत कमी हो जाती है, रोकथाम। सर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब इसमें जो एल्टीट्यूड होती है जब उसमें पता चल जाता है कि ब्लॉकेज है, तो कितने दिन का समय लोगों को लेना चाहिए कि सर्जरी के लिए, तो लोग घबराते हैं सर्जरी को लेकर? देखिए अगर एंजियोग्राफी हुई है और अभी हार्ट अटैक पड़ रहा है तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर भी अभी देखो तो अस्पताल आए भी कह रहा कि छल्ला डाल दो, इमीडिएटली छल्ला डलवाना चाहिए अगर हार्ट अटैक के टाइम पे एंजियोग्राफी हुई है, क्योंकि जितनी जल्दी छल्ला डलेगा खून का ब्लड का फ्लो चालू होगा उतना ही हार्ट को नुकसान कम होगा,
थी, यानी कि जैसे ही अस्पताल में पहुंचे उसके बाद निडल जाके तार बलून डाले 90 मिनट होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा बढ़ाया तो हार्ट को डैमेज हो रहा होगा, लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर स्टेंट लगा दो। अगर हार्ट की तीनों नसें ब्लॉक हैं और सर्जरी बताई गई है तो ये नहीं सोचना है कि पंडित जी ने तब बताया है या मेरे घर में शादी आ रही है। हार्ट की बीमारी जो है वो कोई संकेत नहीं देती, कई बार बहुत खतरनाक होती है, अगर बताया जाए तो एज अर्ली जितना संभव हो सके उतना जल्दी इस इलाज को करना चाहिए।